नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लगभग 44 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है। इसी क्रम में सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल मनोज कुमार गिरी ने पूरे भार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने वितरण पंजिका व स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर मऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक 17 साल के नाबालिग बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में मुंशीगंज थाने के पूर्वा रामनगर में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहराइच के पयागपुर गांव में मौजूद अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि हसुआ पारा गांव में मौजूद ANM सेंटर विकास के नाम पर बदहाली के आंसू रो रहा है। गौरतलब है कि सेंटर को बने हुए 10 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, मगर आज तक वहां बिजली नहीं लगी है, न ही किसी खिड़की में शीशे लगे हैं, जिससे सभी को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी में थाना सदर क्षेत्र से एक गांव में मौजूद बाग में पेड़ से लटकती 16 साल के मोहम्मद मुदस्सिर की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी में थाना सुबेहा पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दूसरे शिक्षक की नौकरी कराने वाले रामराज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। वाराणसी में PM के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम में 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि घटना में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पढ़ीन में खेतों पर रखवाली कर रहे किसान पर कुत्तों ने हमला कर दिया। दरअसल किसान एक मोर को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में किसान दौड़ा और फिर वह औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसके सीने में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुलाम गौस खान पार्क के पास दबंगों द्वारा युवक की 20 सड़क पर बेरहमी से पिटाई करने वाला एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दबंग पीड़ित की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। झांसी के मऊरानीपुर में भूमाफियाओं ने गुंडई कर पार्षद और एक अन्य व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और फिर उसी पर निर्माण करने लगे। वहीं भूमाफियाओं के खिलाफ पार्षद और अन्य पीड़ित उपजिलाधिकारी परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि उपजिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन मिलने पर धरना खत्म भी कर दिया गया। झांसी के मऊरानीपुर में फल सब्जी को लेकर जा रही एक छोटा हाथी पिकअप का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे खेत में जा गिरी। वहीं इस हादसे में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पास से ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झांसी में मऊरानीपुर क्षेत्र के ग्राम सितौरा में दबंगों ने प्रधान पति के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं पति को बचाने दौड़ी पत्नी को भी दबंगों ने जमकर पीटा। पीड़ितों का आरोप है कि सभी उन्हें गांव में प्रधानी से जुड़े कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। फिलहाल दोनों ने पुलिस में शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। झांसी में मऊरानीपुर तहसील के ग्राम बरौरी में नहर के निर्माण कार्य में सीमेंट बालू को छोड़कर मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे नहर में पानी का ज्यादा बहाव आने से ग्रामीण क्षेत्रों में नहर फटने से नुकसान हो सकता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस चीज का विरोध किया, लेकिन अभी तक ये मामला जस का तस बना हुआ है।